हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। आप गॉट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट बाय सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज व्हिच इज सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसे हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस के, जो आपके इस फोन के इस्तेमाल को और भी ज्यादा अच्छा बना देंगे और ही अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। सो विदाउट मच फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 8K स्नैपशॉट्स। 8K स्नैपशॉट्स का मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ मेरे वीडियो में से हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स चाहिए जब मैं 8K शूट कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इस फोन में काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है। लेट मी शो यू हाउ। सो इफ आई एम शूटिंग अ वीडियो, आई विल ओपन द कैमरा। यहाँ पे मैं वीडियो के अंदर गई, वीडियो के अंदर इफ़ आई गो टू द टॉप कॉर्नर, ऊपर जो पैनल है इसमें मैंने FHD ऑटो का ये ऑप्शन आता है, इसको मैंने क्लिक किया एंड इफ आई क्लिक इट, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है 8K का। 8K को मैंने सिलेक्ट किया। नाउ आई स्टार्ट शूटिंग अ वीडियो, और जब मैं शूट कर रही हूँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे एक बढ़िया एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर चाहिए व्हाइल आई एम शूटिंग फ्रॉम दिस फोन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी एंड आई विल गेट अ नाइस हाई रेजोल्यूशन पिक्चर। दिस इज़ वन टिप दैट यू कैन यूज़ फॉर योर फ्यूचर वीडियो शूट्स। एंड इफ यू सी, तो मेरे पास इसके अंदर एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है फ्रॉम द 8K स्नैपशॉट। दिस इज कॉल्ड 8K स्नैपशॉट। आपको पता है आप इसके अंदर अपने कॉलर्स के लिए या बैकग्राउंड के लिए, अपने वॉलपेपर के लिए एक AR इमोजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। सो यू गो सर्च के अंदर, आप AR टाइप करेंगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरा आ गया यहाँ पे। AR टाइप करेंगे, AR जोन खुल जाएगा एक। यहाँ पे मैं AR इमोजी स्टूडियो में जाऊँगी। AR इमोजी स्टूडियो जैसे ही मैं देखूंगी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मुझे कॉल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। इफ़ आई वांट कि मेरी कॉल स्क्रीन बोरिंग ना और उसके अंदर कुछ इमोजी इफेक्ट आए, तो मैं कॉल स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। आई कैन हैव दीज फिल्टर्स ओवर योर। यहाँ पे फिल्टर्स है, जैसे ये डांस करना शुरू हो गया है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। सो इफ़ आई सेव दिस वन, ये मेरा एक कॉलिंग, जब भी किसी का मुझे फ़ोन आएगा इसके ऊपर, ये मेरी एक कॉलर, जैसे कि इसके अंदर ये मेरा ऐसे प्रिव्यू होगा और मेरी कॉल के पीछे मुझे एक डांसिंग इमोजी मिलेगा विच इज़ रियली कूल। नो, सेम गोज़ फॉर माई लॉक स्क्रीन। अगर मैं लॉक स्क्रीन पे भी एक इमोजी सेट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जस्ट टू सी कि मेरे को क्या सिलेक्ट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी लॉक स्क्रीन पर ये चाहिए तो मैं इसे सेव करूंगी और मेरी जब लॉक स्क्रीन होगी तो ये कुछ ऐसे डांस इमोजी करेगा। सो इफ आई सेट दिस ऑन माय लॉक स्क्रीन, इट विल बी देयर ऑन माय लॉक स्क्रीन एज वेल। और मुझे ऐसे ही काफ़ी सारे यहाँ पे इमोजीज और स्टिकर्स मिल जाते हैं विच आई कैन यूज एंड एक्चुअली आई कैन शेयर इट विद माय फ्रेंड्स और एनीबडी इन माय फोन। इजंट दैट अ कूल फीचर? सी, आई हैव अ डांसिंग इमोजी ऑन माय लॉक स्क्रीन। नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट मोड ऑप्शंस। वेल, पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करते हो तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिलता है। तो पोर्ट्रेट मोड को मैंने सिलेक्ट किया। पोर्ट्रेट के अंदर आपको यहाँ पे एक येलो कलर का ये जो रिंग दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे विच इज़ रियली कूल। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको यहाँ से इसको एडजस्ट करके इसकी शार्पनेस या ब्राइटनेस भी कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए एंड यू कैन गेट अ नाइस पोर्ट्रेट पिक्चर विद अ हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी। सो दैट्स अमेजिंग, है ना? जस्ट लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वन और नॉट। नेक्स्ट वी हैव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हर फोन में मिलता है लेकिन इसके अंदर एक नॉच हायर गया है। कैन यू सी दिस एनिमेटिंग थिंग ओवर योर? लेट मी शो यू ये मैंने कैसे सिलेक्ट किया है। सो आई ओपन माई फोन, आई गो टू सेटिंग्स, यहाँ पर मैं लॉक स्क्रीन पर जाऊँगी। लॉक स्क्रीन पे आई विल हैव एन ऑप्शन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर मैं इसके अंदर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे आई विल क्लिक क्लॉक स्टाइल। क्लॉक स्टाइल में मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इमोजीज मिल जाएंगी, जिप्स मिल जाएंगी टू सिलेक्ट फॉर माई लॉक स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैंने अभी ये बर्ड किया हुआ है, इफ़ आई चूज दिस, सो दिस विल बी देयर एज अ GIF ऑन माई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। प्लस ऑल्सो आई कैन यूज एन इमेज ऑल्सो इफ आई वॉन्ट। यहाँ पे गई गैलरी में, गई यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर अपनी गैलरी में से सिलेक्ट कर सकती हूँ फॉर माई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट दिस, सो आई विल हैव दिस वन। सो आई सेव दिस, शो ऑलवेज, एंड व्हेन आई लॉक द फोन
I'll have this nice little display of my picture. Isn't that really cool? And now let's talk about the last cool feature, which is the widget settings. Well, हम सबको अपने फोन में विजिट काफ़ी पसंद है. So have a display of my widgets. If I go here, I have all these widgets over here. ठीक है, तो अब मैं अगर इसको चेंज भी करना चाहती हूँ तो I'll go to settings. I will have this display of my widgets, जो मेरे हमेशा लॉक स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं. मैं इसको रीऑर्डर भी कर सकती हूँ, मतलब मैं इनकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकती हूँ, मैं इनको ऑफ भी कर सकती हूँ. मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिग्सबी रूटीन अभी नहीं चाहिए अब ऑन माई डिस्प्ले. एंड इफ़ आई वॉन्ट टू रीऑर्डर देम, अपने इनको रीऑर्डर भी कर सकती हूँ. मुझे म्यूज़िक नीचे चाहिए तो मैं इसको म्यूज़िक को नीचे ले आऊँगी. मेरा वेदर विजिट पहले आएगा और उसके ऊपर मेरा अलार्म का आ जाएगा ऑप्शन. तो ऐसे मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ और मेरे विजिट्स मेरे को ऐसे ही दिखाई देंगे ऑन माई फ़ोन. सो इफ़ आई क्लिक दिस, आई हैव माई विजिट्स ओवर हियर. इज़न्ट दैट अ नाइस फीचर? तो थे ना कमाल के फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको लगता है कि आप आने वाले टाइम में अगर आप ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं. ट्राई करना और मुझे बताना आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा फीचर अच्छी लगी. कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी कई और वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए जागरण हाईटेक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.